आज 4 मई है और जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड के ज़्यादातर जनपद जो हैं वो ग्रीन जोन में हैं और लोगों को छूट दी जा रही है कि वो लोग अब अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कई इलाके पौड़ी जनपद के ऐसे हैं जहाँ पे इस जो लॉकडाउन रहा उस दौरान भी लोग काम करते रहे और उनकी अब फसल तैयार है। कई हमारे भाई लोग जो दिल्ली से या भारत के दूसरे हिस्सों से जिनका रोज़गार छिन गया है वो पहाड़ों में वापस आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि वो खेती करेंगे। तो इसको लेकर एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये पौड़ी जनपद का एक एसर ब्लॉक है, चौबट्टा खाल विधानसभा और पुसोली गाँव है ये। तो यहाँ पे कुलदीप जी हैं जिन्होंने यहाँ पे ये एकीकृत कृषि मॉडल डेवलप किया है जहाँ पे खेती के अलावा मत्स्य पौंड इन्होंने बनाया हुआ है, मुर्गियाँ इन्होंने पाली हुई हैं, गाय इन्होंने रखी हुई है और काफ़ी सफलतापूर्वक इस काम को ये कर रहे हैं। बकरी भी है इनकी। तो कुलदीप जी से बात करेंगे। कुलदीप भाई, पहले तो आपको बधाई कि आपने बहुत मेहनत की होगी और इस इलाके में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके अलावा ज़्यादातर लोग हैं भी नहीं यहाँ पे, तो आप ये जो खेती कर रहे हैं यहाँ पे कब से कर रहे हैं और कितनी नाली में हो रही है खेती? ये जो है 1.5 साल हो रहा है इसको स्टार्ट किए हुए, जी। और है ये करीब 40-50 नाली पे है। तो उसमें कुछ ज़मीन हमारी अपनी है, कुछ गांव के लोगों की है, जिसमें कि गांव वालों ने भी कोई ऑब्जेक्शन किया, उनका भी सहयोग है कि चलो कोई बात नहीं। अच्छा। 20-25 साल पुरानी बंजर भूमि है जहाँ पे कि हमने अभी काम शुरू किया है। तो आप थोड़ा सा इत्मीनान से ना, जैसे मुझे ये भी दिखा दो आपकी क्या क्या बो रखा है आपने। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुलदीप भाई दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या बोया ये हुआ है। जो जी ये है ये प्याज है, प्याज जी के पौध लगाई थी, जी जो इस समय प्याज भी तैयारी पे है। जी प्याज के अतिरिक्त तो आलू है, मटर है और लहसुन है। तो कुछ बारिश की वजह से भी इस बार कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नुकसान भी नहीं हुआ है कि जो मतलब अच्छा, हाथ पैर जो चल आप जाए। ये हाँ करते हैं यहाँ पे, जैसे मैं देख रहा हूँ प्याज है, जी, धनिया दिखाई दे रहा है हाँ जी, हाँ और नीचे मैंने आलू भी देखा था जी, और शायद मेरे ख्याल से ये नीचे क्या है ये बरसीम है आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा नीचे की ये। तरफ हाँ आपको दिखाऊंगा। पॉली हाउस भी आपने बना रखे हैं, जी, तो इन पॉली हाउस के अंदर क्या है? इनके अंदर टमाटर की पौध है और खीरा है, मटर अच्छा है, अच्छा और खीरा भी समय तैयार है। जी मटर टमाटर में भी टमाटर लगने शुरू हो गई, हाँ हाँ खीरा की 2 फसल निकल चुकी है अच्छा उसकी, मटर की, जी और तीसरी फसल जो है अब एंड पे चल रही है इस समय। अच्छा। तो ये जो आप यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं इसकी खपत कहाँ होती है, कहाँ भेजते हो आप इसे? हाँ ये यहाँ पे लोकल हो जाती है, यहाँ पे जो अगल बगल में गांव है हमारे हाँ वो खुद ही आके ले जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ताज़ी सब्जी मिलती है। अच्छा घर पे ही आ जाते हाँ हैं। जी, अच्छा, तो कितने आसपास से कितने गांव के लोग हैं यहाँ पे, कौन कौन से गांव हैं उनके यहाँ नाम? पे हमारा गांव हो गया, पुसोली हो गया, जी और सासों हो गया, जी जी खिमकोली हो गया, पांग हो गया, तल्लमल्ला थापला हो गया, हाँ और कुछ लोकल भी इधर उधर से मेन रोड पे है, हाँ इधर से आने जाने वाले भी आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। कुलदीप भाई, एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्योंकि इतनी लंबे चौड़े एरिया में तो लेबर आप अकेले तो नहीं कर पाते होंगे, नहीं ये जी, कैसे ये होता है? दिहाड़ी पे काम कराना पड़ता है, अच्छा, तो वो कैसे कुछ पेमेंट करते हो आप मैनेज, कैसा पेमेंट वगैरह उनको जो देते होंगे अपने स्तर से ही? अपने स्तर से ही होता है। अच्छा। कुछ अपनी फैमिली से है, तीन तीन चार हम फैमिली से हैं, बाकी जब जरूरत पड़ती है तो कुछ गांव के महिलाएं हैं और अच्छा, कभी। ये आपने जो नीचे बना रखा है ये फिश हाँ जी, पॉन्ड हाँ जो है, जी, रहा इसके बारे में बताइए कि इसमें मछलियाँ अभी तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी अभी है, अभी जी ये अभी ये तैयार कब हुआ कब है होती है ये? ये, इसमें मछली अभी डल जानी चाहिए थी, कितने लेकिन अभी टाइम में तैयार हो जाती है? ये ऐसे 5-6 महीने में तैयार हो जाती है मछली। अच्छा, तो ये भी आप लोग आके यहाँ से ले आते होंगे? हाँ, ये अभी मछली का काम अच्छा, शुरू, शुरू किया क्वारंटाइन आपने? के चक्कर में ना अच्छा अभी बीज हाँ नहीं डाल पाए इसमें। अच्छा 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 हाँ ठीक जी, है, फिलहाल ही सिंचाई के लिए पानी वानी हाँ हो जी, जाएगा फिलहाल आपका। सिंचाई के लिए काम अच्छा, हो रहा है। पानी भी ला रखा आपने, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये पाइप लेके आ रखे हैं, पानी कहाँ से आ रहा है ये? ये जो हमारा पुराना स्रोत है, इस हाँ स्रोत से पाइपलाइन द्वारा पानी आया है यहाँ पे। अच्छा। कुलदीप भाई, थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे, इधर को थोड़ा सा आगे भी दिखाएंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे भाई जो हैं जो दिल्ली में थे,
या दूसरी जगह में थे, सब लोग जो है जो छोटी नौकरी थी होटल रेस्टोरेंट वाले, वो खास तौर पे बहुत बेरोजगार हो गए। और अब वो कुछ लोग आ गए हैं और कुछ लोगों की आने की तैयारी है पहाड़ में वापस, तो उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप कि किस तरह से करें वो कोशिश, सर मैं भी क्योंकि उत्साह तो बहुत है लेकिन ग्राउंड में काम करना अलग बात सर होती मैं भी 14-15 साल बाहर रह के आया हूँ, है। जी और बाहर की प्राइवेट नौकरी से अपने हमारे गढ़वाल में कोई रोजगार की कमी थोड़ी है। जी केवल ये है कि हमें रोजगार क्या करना है और किस हिसाब से करना है, कमी यही है, खुद ढूंढना पड़ेगा बस। पढ़े लिखे भी हम बाहर जाते हैं तो जॉब तो ढूंढना पड़ता है, जॉब कहीं रास्ते में तो रखी नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी रोजगार बहुत है। अभी 14-15 साल के बाद अभी आप देख रहे हो कि 1.5 साल के अंदर अगर इतना वो किया मैंने, तो मैं तो नहीं मानता कि हमें कोई बाहर जाने की जरूरी है, जरूरत तो नहीं है हमें बाहर इसके जाने अलावा की। आपने जो गाय पाली हुई हैं, बकरियां हाँ हैं, जी, वो कहाँ पे रखी है आपने, जरा वो भी बताओ वो जगह कहाँ पे है वो वो। ये जो बड़ा शेड दिख रहा है टीन का पीछे, जो, हाँ जी वो अच्छा बड़ा वाला शेड है, उसमें बकरी भी है, अच्छा वहाँ पे। हाँ जी, और मुर्गी भी है और गाय भी है, अच्छा और ये हरा वाला शेड है ये अपने रहने के लिए बनाया हुआ है। अच्छा ये जैसे मुर्गी अंडे देती होगी हाँ जी, तो ये अंडे भी लोकली ही खपत, लोकली खपत यहाँ पे खपत पूरी कर और ही नहीं दूध पाते भी हैं। सब कुछ। हाँ जी, अच्छा तो कौन लोग, मतलब ग्रामीणों के अलावा यहाँ पे, और टीचर्स वगैरह भी रहते हैं वो सब लोग टीचर्स, ले जाते हाँ हैं। जी, अच्छा यहाँ पे मैं खुद डिमांड पूरी नहीं कर पाता हूँ। रेट वेट थोड़ा मोटे तौर पे क्या लगाते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे। बस साग सब्जी है तो मार्केट से 1-2 रुपए फालतू दे देते हैं, अच्छा हाँ क्योंकि ये जैविक की है, हम ऑर्गेनिक हाँ ऑर्गेनिक है, है। इसमें जी मैं कोई खाद उद का इस्तेमाल करता नहीं हूँ, जी इसलिए जो है कि मार्केट रेट से 1-2 रुपए फालतू ले लेता हूँ, वो यही है, बाकी कोई अच्छा स्पेशल एक वो दिक्कत नहीं। मुझे हाँ यहाँ पे दिखाई दी कि लाइट नहीं है यहाँ पे ना, तो जी, यहाँ पे लाइट की काफी बड़ी दिक्कत है, जी और क्योंकि यहाँ पे रात को जंग ये भी जाम सोलर लगा वाला रहता है। जो आपने, मैं देख रहा था इधर, हाँ जी, ये सोलर जो लाइट है आपकी, हाँ ये लाइट जो है इससे हो जाता है यहाँ पे अंधेरा, बाग बाग आता होगा। सोलर लाइट का तो ऐसा है कि मैंने खुद भी एक कोटार से लाया हूँ 15,000 रुपये का सेट, तो उससे हम अपनी जो कमरे की रोशनी की व्यवस्था कर लेते हैं, और एक ग्राम पंचायत से मिला हुआ है एक, अच्छा और एक पहले समाज सेविका थी सीमा सजवान, एक उनके द्वारा मिला है। अरे कुलदीप भाई, आप सीधा सीधा ये बताओ कि भाई अब लोगों ने खेती बाड़ी करनी है, पशुपालन का काम करना है, मत्स्य पालन करना है, मौन पालन करेंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन हाँ जी, दिक्कत मेरे ख्याल से आपके तो यहाँ पे ले जा रहे हैं लोग, तो हाँ जी, कुछ आप सोचते हो कि सरकार को आपको कुछ करना चाहिए कि भाई आपकी कोई भी पैदावार तैयार हुई तो उसको खरीद ले, या कुछ ऐसी व्यवस्था क्या चाह रहे हो आप सरकार से, क्या क्या हेल्प चाह रहे हो। सरकार से तो हम काफी उम्मीद रखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे बीज बीज नहीं मिलता है, हाइब्रिड का बीज चाहिए जिससे कि अच्छी पैदावार हो, बीज यहाँ मिलता नहीं है। जो यहाँ पे सरकारी विभाग है भी, तो उनके पास बीज तब आता है जब कि सीजन आधा निकल चुका होता है, जब सब्जी बाजार में आ जाती है तब हमें बीज मिलेगा। तो एक तो विभाग से यही अनुरोध हमारा कि जो बीज है वो सही समय पे मिल जाए हमें, और एक अगर कभी बाय द वे अगर ऐसी परिस्थिति हमारी आ जाती है कि हमारे सब्जी उब्जी में मार्केटिंग नहीं हो पाती है, तो उस समय थोड़ा हेल्प कर दें। अच्छा और जैसे भी नए हैं अब, चलो हमने तो जैसे भी किया अपना काम शुरू कर ही दिया है, लेकिन अगर कोई नया कोई इच्छुक अगर काम करता है तो उसको जैसे लाइट है, पानी है, रहने की व्यवस्था है, क्योंकि अब यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं, ये तो है नहीं कि हमने दिन में अपने खेती उती किया रात को घर चले गए, ये बच्चे स्कूल कहाँ जाते हैं पढ़ने को, बच्चे तो यही अभी गांव के प्राइमरी स्कूल में ही अच्छा पढ़ते वो हैं। दिक्कत तो नहीं, ज़्यादा दूर तो नहीं है। नहीं जी, ज़्यादा दूर तो नहीं अच्छा है। अच्छा तो आपने कुल मिला के देखा कि कुलदीप भाई ने एक सफल मॉडल यहाँ पे तैयार कर दिया है, जिसमें खेती के अलावा जो पशुपालन है, और क्या कहते हैं आपका जो मत्स्य पालन का भी पॉन्ड बना लिया, हालांकि अभी वो लॉकडाउन हो गया था, क्वारंटाइन में रहना पड़ रहा है लोगों को, तो कुछ सावधानी है, तो अभी फिलहाल वो काम तो नहीं हो रहा है लेकिन आगे होगा, तो ऐसा नहीं है अगर आप मेहनत करें, और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले कि आपके गांव के जो लोग होंगे वो एक जगह में कहीं, जिस तरह से ये करीब कितना नाली था, 50 हमारी 50 साल नाली पचास पानी नाली का है। करीब ज़मीन यहाँ पे है, और यहाँ पे मेहनत की जा रही है, तो आप देख रहे हैं इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जहाँ भी आप गाँव में खेती का काम शुरू करें, वहाँ पे
संगठित होके अगर लोग कुछ लोग करना नहीं भी चाह रहे हैं तो कम से कम एक आदमी को या कुछ लड़कों के समूह को जो बेरोजगार हैं वो करना चाह रहे हैं उनको जमीन दें जिससे कि इस तरह का काम हो सके। और बाकी मेरे साथ यहाँ पे अम्बेश पंत जी भी हैं जो मुझे लेके आए थे यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अम्बेश, 2-3 साल पहले आपने ये शुरू किया था यहाँ पे कि जो खेती और इस तरह का काम एकीकृत कृषि का जो मॉडल है उसे डेवलप किया जाए, संभवतः जलागम विभाग ने भी सहयोग किया, तो कैसे चल रहा है और आगे जिस तरह से ये रोल मॉडल डेवलप हो रहा है क्या रहेगा आगे? देखिए, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 3-4 साल पहले हमने एक सपना देखा था कि जितनी भी ये बंजर पड़ चुकी है ज़मीन उस पर हम लोग काम करें, और एक ग्रुप पे भी हमने शुरू किया था इसे। लेकिन जो सपना था उसे अगर हकीकत में किसी ने करके दिखाया तो वो कुलदीप जी ने दिखाया है, और मुझे लगता है कि ये मेरा सपना था जो उनके माध्यम से पूरा हुआ है यहाँ पे। नहीं तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, जितना मेरा उम्र है उससे 10 साल पहले लोग शायद छोड़ चुके थे इस ज़मीन को। और एक कहावत थी कि उद्यमेन ही सिद्धंते, की जो कहावत है उसको इन्होंने चरितार्थ किया है। बहुत सारी दिक्कतें भी मुझे लगता है हुई होंगी, लेकिन उन दिक्कतों से निकल करके आज जो इन्होंने करके दिखाया वो वाकई एक रोल मॉडल है। और मेरा एक और वो रहेगा, जैसे सरकार से या हमारे जो माननीय जिलाधिकारी हैं या मुख्य कृषि अधिकारी हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है इनको वो है विद्युत की, क्योंकि यहाँ पे बिजली का कनेक्शन नहीं है। और बिना बिजली के मुझे लगता नहीं कि, जैसे जंगली जानवरों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा है, सोलर लाइट हैं यहाँ पे, जैसे इन्होंने बताया कि एक जिला पंचायत जो अभी हमारी सदस्य है सीमा सजवान जी, उनके थ्रू मिला, या ग्राम पंचायत से, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिलाधिकारी पौड़ी से और मुख्य कृषि अधिकारी पौड़ी से और विद्युत विभाग के जो भी अधिकारी हैं कि इनको ये बिजली का कनेक्शन मुफ्त में करवाया जाए, ताकि जो इनकी समस्याएं हैं जंगली जानवर का जो भय रहता है यहाँ पे, जानमाल का जो खतरा बना रहता है, वो कहीं ना कहीं कम हो और लोग इससे एक बहुत बड़ी प्रेरणा लें। और आज जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लोग पूरा हमारा जो हिंदुस्तान है वो कोरोना के संक्रमण से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो जो युवा आना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक उदाहरण पेश किया है यहाँ पे। और जो शुरुआत इन्होंने दे दी है, मुझे लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उनका 80% काम ये पूरा कर चुके हैं, तो यही मुझे कहना है। बाकी जैसे ILSP के भी प्रोजेक्ट हैं, कुछ उसमें मदद हुई है, उतना ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी एक सहयोग रहा है, चाहे वो ILSP पौड़ी का है, चाहे वो और विभागों का भी है, लेकिन जो मेहनत है इनकी 100% अपनी है, पूरा परिवार उसमें लगा हुआ है, एकजुट लगा हुआ है, यही है। धन्यवाद अम्बेश। और एक चीज़ मैं इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा क्योंकि इस तरह की पत्रकारिता मैं करता रहता हूँ लगातार, और इसका मकसद केवल फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे सुर्खी बटोरना नहीं होता कि मुझे लाइक पड़ जाए, मुझे आपके लाइक्स नहीं चाहिए होते हैं। मैं कुछ ना कुछ मैसेज आपको कन्वे करना चाहता हूँ, हमेशा यही कोशिश होती है। और क्योंकि मैं खुद ग्राउंड पे पत्रकारिता करता हूँ और जो मेरे पत्रकार मित्र देहरादून या दूसरी जगहों से देश के पहाड़ों में यहाँ पलायन रोकने की बात करते हैं या तरह तरह की टांग खिंचाई सरकार की और इस तरह से करते हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो जो लोग ग्राउंड पे कुछ काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पहाड़ों में आए। और मैं जैसे कोशिश करता हूँ मेरी तरह अगर कम से कम 10-20 पत्रकार भी ग्राउंड पे उतर जाएं यहाँ पहाड़ में तो काफ़ी स्थितियाँ परिवर्तित होंगी। और ये जो हमारे भाई कुलदीप जैसे लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इनकी फसलों को खरीदने के लिए उत्तराखंड से ही नहीं बाहर से भी लोग उत्तराखंड आना शुरू कर देंगे जो कि एक महत्वपूर्ण कदम होगा इस इलाके से पलायन को रोकने के लिए और स्थानीय स्तर पर रोजगार विकसित करने के लिए जो आज की तिथि में सबसे बड़ी आवश्यकता कोरोना संकट के बाद हो गई है। जागो उत्तराखंड के लिए पुसोली पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट। सो
तो यार सर जी तक।